next question, write short notes on orientalistic historiography, nationalistic historiography, subaltern historiography. तो ये तीनों historiography exercise में है. फोर्थ क्वेश्चन कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 में दिया हुआ है. देखो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, द अर्ली स्कॉलर्स हु स्टडीड एंड रोट इंडियन हिस्ट्री वे मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज. देयर प्रेजुडाइज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द वे सम ऑफ देम हैव रेडिकल इंडियन कल्चर. देयर राइटिंग्स वर यूज टू जस्टिफाई द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल. द फाइव वॉल्यूम्स ऑफ कैम्ब्रिज ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया पब्लिश ड्यूरिंग 1922 टू 1937 CE आर डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी. तो ये पूरा कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में आंसर आएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद इट्स रीजन. तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री रिसीव द मोमेंटम, भाकर इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. तो इसका आंसर, यहाँ तक का आंसर जो है वो दिया हुआ वो एक्सरसाइज का है. फिर भाकर इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ये भी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है सेम. भाकर इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ये दोनों टेक्स्टुअल है. सेकेंड पे आते हैं, रजत रागिनी इज क्वाइट क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. तो उसका आंसर पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है. देखो, द स्टाइल ऑफ राइटिंग रजत रागिनी द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हाना इन द 12th सेंचुरी CE इज क्वाइट क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. कल्हाना हिमसेल्फ सेज दैट ही रोट हिज टेक्स्ट आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिनिंग वेरियस सोर्सेज लाइक इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स एंड लोकल ट्रेडिशन. इतना लिखने के बाद देयरफॉर क्वेश्चन लिख लो या हेंस क्वेश्चन, ठीक है. तो आराम से 3-4 पॉइंट बन जाएगा. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, पीपल बिगैन टू एड्रेस जी एस सरदेसाई एज रियासतकार. तो इसका आंसर पेज नंबर 13 में, देखो पेज नंबर 13 के जो डू यू नो, ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा. पब्लिकेशन ऑफ मराठी रियासत बाय गोविंद, जो जी एस सरदेसाई लिखा है उनका नाम है पूरा गोविंद सकाराम सरदेसाई, वॉज अ मोमेंटियस अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी. ही इज वर्क बिकेम सो फेमस दैट पीपल बिगैन टू एड्रेस हिम एज रियासतकार. ही पब्लिश सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ मराठा हिस्ट्री. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो सहागुरा कॉपर प्लेट का के बारे में यहाँ पे पैराग्राफ दिया, उसके ऊपर 3 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, ठीक है. तो द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड एट सहागुरा डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन भी वही दिया कि इन विच स्टेट वॉज द सहागुरा कॉपर प्लेट फाउंड. तो कहाँ पे फाउंड हुआ था, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एल्स कैन यू फाइंड द मार्क्स फाउंड ऑन सहागुरा कॉपर प्लेट. और कहाँ पे ऐसे मार्क्स देख पाओगे जो सहागुरा कॉपर प्लेट में मिले. तो द सिंबल्स नोन एज ट्री एंड रेलिंग एंड माउंटेन एट द बिगनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो अकर एज पंच मार्क कॉइन्स. अनदर सिंबल विच लुक्स लाइक द स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन द फोर पिलर इज सपोज टू बी द इंडिकेटिव ऑफ ग्रेनरी. तो ये सेकेंड आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, विच हिस्ट्री वी कैन नो फ्रॉम सहागुरा कॉपर प्लेट. तो सहागुरा कॉपर प्लेट से हम लोग कौन सी हिस्ट्री जान पाएंगे. जैसे कि देखो, सहागुरा कॉपर प्लेट कहाँ पे फाउंड हुआ था वो लिख सकते हैं हम लोग. सहागुरा कॉपर प्लेट वहाँ पे फाउंड हुआ है और वो कौन से पीरियड का था, वो मौर्यन पीरियड का था, ठीक है. वो मौर्यन पीरियड का था. यहाँ पे पूरे सेंटेंस में नहीं दिया, हम लोग को ढूंढ ढूंढ के हिस्ट्री के बारे में लिखना है जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें. फिर यहाँ पे देखो, द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स अ रॉयल ऑर्डर दैट ग्रेन स्टोर्ड इन द ग्रैनरी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड केयरफुली. इट इज़ सपोर्ट टू बी द सजेस्टिव प्रिकॉशन टेकन इन द टाइम्स ऑफ फेमाइन. तो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी ये जो पॉइंट है कि वो मौर्यन पीरियड का था, वो फाइंड कहाँ हुआ था और ये, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा. फिर नेक्स्ट, व्हाट इज़ द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. इसमें जो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इतिहासचार्य वी के राजवाड़ी, ये सब एक्सरसाइज में दिए हुए हैं. मैं डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन पे आती हूँ. थर्ड क्वेश्चन है, राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस फेमिनिस्ट इन हिस्टोरियोग्राफी. तो उसका आंसर पेज नंबर 13 में दिया हुआ है. देखो, द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कॉन्सेंट्रेट ऑन द इशूज लाइक द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, ट्रीटेड मेटेड आउट ऑफ देम एट द वर्क प्लेस, देयर राइट टू पॉलिटिकल इक्वालिटी एक्सेट्रा. अमॉन्ग द रिसेंटली पब्लिश फेमिनिस्ट लिटरेचर, मीरा कोसाम्बी बुक क्रॉसिंग थ्रेसोल्स फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री इज ऑफ इम्पॉर्टेंस, ठीक है. तो यहाँ तक आंसर लिख सकते हो, या तो अगर आपको एक्सटेंड करना है तो यही पैराग्राफ को एक्सटेंड करके लिख सकते हो, ठीक है. कम से कम मिनिमम 3-4 पॉइंट्स, ये आंसर इन डिटेल से तो कम से कम 6 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है. तो इसके आगे भी लिख सकते हो, इट कंटेन्स एसेज ऑफ लाइफ स्टोरीज ऑफ वुमेन लाइक पंडिता रमाबाई एंड डॉक्टर रुकमाबाई, द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया, ठीक है. तो इसमें ये पूरा फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर है, तो इसमें से जो पॉइंट ईजी लगता है कोई भी 6 पॉइंट्स लिख सकते हो.
फिर नेक्स्ट एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. तो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर जो पैराग्राफ है वही ये आंसर में भी आएगा, ठीक है. नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी पे जो पैराग्राफ है वो इसी में आंसर में आएगा. रिव्यू अबाउट एंशियंट इंडियन हिस्टोरियोग्राफी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो यहाँ पे ओरल ट्रेडिशन, कार्व्ड आर्टिकल्स, रिटन लिटरेचर, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग खुद से लिख सकते हो कि ओरल ट्रेडिशन में क्या क्या आता है, ओरल ट्रेडिशन क्या होता है, कार्व्ड आर्टिकल्स में क्या क्या आता है. कार्व्ड आर्टिकल्स में रॉक पेंटिंग्स आ गया, ठीक है, स्टोन वगैरह में जो पेंटिंग्स होता है, ऐसे सब कार्व्ड आर्टिकल्स में लिख सकते हो, या तो टेम्पल्स के नाम लिख सकते हो जो कार्व्ड करके बनाया गया. रिटन लिटरेचर में इंस्क्रिप्शन वगैरह लिख लो, रिटन मतलब जो जो रिटन सोर्सेस है, ठीक है. तो ये तीन टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है ये तीन का आंसर, पर ये खुद से लिख सकते हो. राइट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल लिटरेरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ भाकर. तो जो एक्सरसाइज में भाकर का जो आंसर है उसी का सेम आंसर यहाँ पे भी आएगा. भाकर का एक क्वेश्चन है, उसका ही आंसर क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा. नेक्स्ट थर्ड लेसन अप्लाइड हिस्ट्री. अप्लाइड हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट ऑप्शन. उसमें जो फर्स्ट है, द अर्लिएस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वॉज डिस्कवर्ड बाई इन द एक्सकवेशन एट द सिटी ऑफ UR. Second, the National Archives of India is in New Delhi. Dash is considered as the mother of science and all other subjects. Philosophy. The main office of the National Film Archives of India is located in Pune. Kalbelia is the folk dance in the Dash state in the part of the world, Rajasthan. The caste plateau in the Western Ghats is in Satara. Identify the wrong part. Identify the wrong part. ये textual है, ये वाला answer नहीं बताऊँगी मैं, exercise में दिया हुआ है. फिर second वाला देखो, सन टेम्पल कोणार्क में, ब्रिटेश्वर टेम्पल चंडीगढ़ में नहीं है, ब्रिटेश्वर टेम्पल आई थिंक बिहार में, ठीक है. महाबोधि टेम्पल बोधगया, रानी की वाह पटन, ये सब करेक्ट है, सेकेंड वाला ऑप्शन रॉन्ग है. थर्ड देखो, अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री कहते हैं, फौना एंड फ्लोरा को नेचुरल हेरिटेज कहते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट. एंशियंट साइट्स को टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहते हैं, यहाँ पे देखो इनटैंजिबल दिया है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन होगा, ठीक है, ये रॉन्ग ऑप्शन होगा. डू एज डायरेक्टेड कम्प्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप. तो यहाँ पे ये टेक्सुअल एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो जो एक्सरसाइज के लिए पढ़ा था वो सेम लिख लो यहाँ पे. नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट मैप चेंज करना है, तो इसमें जो पैराग्राफ है ये चैप्टर में ह्यूमैनिटीज़, उसमें ये सब दिया हुआ है. देखो पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, और बहुत सारी चीज़ें, तो जो ईजी लगे वो लिख लेना. नेक्स्ट और एक कॉन्सेप्ट मैप है, कॉन्सेप्ट मैप का क्वेश्चन है वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. तो कोई चार लिखने थे यहाँ पे, देखो ये पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 18 में कुछ 3, 6, 8 दिए हुए हैं, तो 8 में से कोई भी 4 याद करके लिख सकते हो. देखो उसका क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया और चार बॉक्सेस, तो चार बॉक्सेस को फिल करना था. राइट नोट्स ऑन अप्लाइड हिस्ट्री, ये एक्सरसाइज में है, आर्चिव्स ये भी एक्सरसाइज में है. थर्ड देखो इंडियन म्यूजियम कोलकाता, इसका आंसर पेज नंबर 20 पे दिया हुआ है. देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है इंडियन म्यूजियम कोलकाता, तो इसका जो पूरा पैराग्राफ है उसमें से अगर चाहो तो एक पॉइंट स्किप कर सकते हो जो हार्ड लग रहा हो बहुत, लेकिन कम से कम 3-4 5 पॉइंट्स का तो होना चाहिए आंसर, ठीक है. तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता ये यहाँ से यहाँ तक का आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फिल्म आर्चिव्स ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल फिल्म आर्चिव्स ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर वही सेम पेज नंबर में, उसके बराबर बाजू में, आर्चिव्स विद डिस्टिंक्ट पर्पस, ये पेज में देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये ऊपर देखो थोड़ा, ये ऊपर आर्चिव्स के बारे में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को नेशनल आर्चिव्स के बारे में नहीं लिखना है, हम लोग को लिखना है नेशनल फिल्म आर्चिव्स ऑफ इंडिया, ठीक है. तो द मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल फिल्म आर्चिव्स ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन पुणे महाराष्ट्र. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 एज द मीडिया यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. इट सर्व 3 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है. तो इसका आंसर यहाँ तक होगा, ठीक है, इसका आंसर यहाँ तक होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का है, यूआर म्यूजियम, 5th वाला क्वेश्चन. ये पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 19 पे जो डू यू नो है ये पूरा पैराग्राफ यूआर म्यूजियम के ऊपर ही है. तो इसमें से अगर कोई हार्ड लग रहा हो तो एक पॉइंट स्किप कर लो, एक दो पॉइंट, ज़्यादा स्किप मत करना, कम से कम 4-5 पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है. तो ये यूआर म्यूजियम का आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ इट्स रीज़न. ये सारे स्टेटमेंट को रीज़न के साथ एक्सप्लेन करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी एक्सरसाइज में है. क्वेश्चन नंबर 3, द मेथड ऑफ हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी वैल्यू इन द रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड्स. तो जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो पेज नंबर 15 में दिया हुआ है. देखो पेज नंबर 15 में 3.2, अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन
वेरियस फील्ड्स. तो यहाँ से स्टार्ट होकर द वे ऑफ अ प्रेजेंट लाइफ स्टाइल इज शेप इज डिपेंडेंट ऑन द हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स. हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेट टू वेरियस फील्ड्स लाइक पॉलिटिक्स, सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी, फिलोसफी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस एक्सेट्रा. ईच ऑफ दिस फील्ड्स हैव देयर ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज. द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज. हेंस द मेथड ऑफ हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी वैल्यू इन द रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड्स. तो ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज यूज ऑफ साइंस इज यूजफुल, ठीक है. तो इसका आंसर पेज नंबर 16 पे जो साइंस का ये जो पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है, ठीक है. जो साइंस का पैराग्राफ है वो दिया हुआ है. फर्स्ट इसमें ये इंपॉर्टेंट है लिखना, द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड थियरी. इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट चेन दैट लेड टू दोज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन. इट इज सेड द नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. यहाँ से अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ से यहाँ तक लिखना जरूरी है. फिर यहाँ नीचे जो है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस फैक्टर्स दैट फैसिलिटेटेड अ साइंटिफिक डिस्कवरी और इन्वेंशन एंड ऑल्सो इट्स क्रोनोलॉजी, ठीक है. तो इतना लिखना जरूरी है. अगर इसमें से बीच में से एक दो पॉइंट्स डाल दो तो बहुत अच्छी बात है, दो तीन पॉइंट्स डाल सकते हो, लेकिन ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है. पूरे में से दो तीन पॉइंट्स स्किप करो और पूरा पैराग्राफ लिख लो, ठीक है. फिर नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ के उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर है, ठीक है. तो पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज पब्लिक हिस्ट्री. तो पब्लिक हिस्ट्री का आंसर डायरेक्टली ऐसा फुल में दे ही दिया है, उसको थोड़ा हम लोग को तोड़ फोड़ के लिखना पड़ेगा. पहले लिखेंगे, पीपल हैव अ लॉट ऑफ मिसगिविंग्स अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री सच एज हिस्ट्री इज यूजुअली थॉट एज अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली. फिर हम लोगों को लिखना है, पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम सच मिसगिविंग्स एंड मेक्स हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरी डे लाइफ कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री, ठीक है. तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नेम सेंटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, ठीक है. सेंटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, थर्ड वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं. विच आर मिसगिविंग्स अबाउट द प्रैक्टिकलिटी नॉलेज ऑफ हिस्ट्री. दोनों का आंसर बताऊंगी. देखो, जो सेकेंड का आंसर, विच इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट को सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री कहा गया है, तो संस्कृति इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, ये सेकेंड का आंसर है. और थर्ड का क्वेश्चन क्या था कि पब्लिक हिस्ट्री को लेके कौन कौन से टाइप के मिसगिविंग्स है. तो देखो, ऐसा लिख सकते हो, पीपल हैव अ लॉट ऑफ मिसगिविंग्स अबाउट द प्रैक्टिकलिटी नॉलेज ऑफ हिस्ट्री. फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री इज यूजुअली थॉट ऑफ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर हिस्टोरियंस एंड स्टूडेंट्स विशिंग टू परस्यू हायर स्टडीज इन द सब्जेक्ट एंड नॉट प्रिटेनिंग टू प्रैक्टिकल लाइफ. हिस्ट्री एज अ फील्ड ऑफ नॉलेज डज नॉट हैव एनी एप्लीकेबिलिटी टू इकोनॉमिकल प्रेडिक्टिव फेज. तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगी, ये पूरा थर्ड का आंसर हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स. हाउ इज द मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन द रिसर्च फॉर साइंस आर्ट्स मैनेजमेंट, ये तीनों के आंसर. फिर हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री इन अवर प्रेजेंट, सजेस्ट एन एटलीस्ट सोल्यूशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, व्हाट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फुलफिल थ्रू द हेरिटेज प्रोजेक्ट्स. तो ये चारों आंसर्स दिए हुए एक्सरसाइज में, बस लास्ट का आंसर नहीं दिया हुआ. देखो, Describe the affiliated professional fields related to the applied history and discuss the skills required for the management of these fields. तो इसका आंसर पेज नंबर 19 में दिया हुआ है. देखो, affiliated professional fields, तो उसमें जो ये चार है वो लिखना है, ठीक है, वो चार लिखना है. फिर नेक्स्ट पेज में देखो ये लिखा है, every field mentioned here requires expert personnel with specialized skills, ठीक है. हम लोग एक बार अपना क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं. देखो, क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या ढूंढना है, हम लोग को आंसर में क्या क्या चाहिए. पहले डिस्क्राइब करना है एफिलेटेड प्रोफेशनल फील्ड्स रिलेटेड टू अप्लाइड हिस्ट्री. अप्लाइड हिस्ट्री के रिलेटेड एफिलेटेड प्रोफेशनल फील्ड्स लिखना है. फिर उसको डिस्कस करना है कि कौन कौन से स्किल्स चाहिए फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द स्किल्स. तो हम लोग को सबसे पहले देखो, ये पेज नंबर 19 में हम लोग को ये सारे फील्ड्स मिल गए, म्यूजियम एंड आर्चिव्स, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया, ये साइट्स मिल गए हम लोग को सारे. अब हम लोग को इसके ऊपर डिस्कशन करना है कि हम लोग को ऐसे कौन से स्किल्स चाहिए ताकि इनके ये सारे फील्ड्स को हम लोग मैनेज कर सके, ठीक है. तो एवरी फील्ड मेंशनड हियर रिक्वायर्स एक्सपर्ट पर्सनल विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स. फॉर एग्जांपल, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, म्यूजियम क्यूरेटर्स, सोशियोलॉजिस्ट, आर्चिव मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, लीगल एक्सपर्ट्स, स्किल्ड फोटोग्राफर्स एक्सेट्रा. ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट. ये जो पूरा रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट दिया, इसमें से कोई तीन लिखो और बाकी एक्सेट्रा लिख सकते हो, ठीक है. ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है.
द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम मेनी मोर फील्ड इज रिक्वायर्ड. ठीक है, दिस एक्सपर्ट्स नीड्स टू हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ द एंशियंट साइट्स द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रक्चरल रिमेन्स एंड आर्टिफैक्ट्स. प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री कैन क्रिएट वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस प्रोफेशनल्स. तो इतना आंसर होगा. ये जो पूरे नाम दिए सोशियोलॉजिस्ट आचिव मैनेजमेंट, इसमें से कोई 3-4 लिखो और बाकी एक्सेट्रा लिख सकते हो. ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा. चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया, सॉरी चैप्टर 3. चैप्टर 4 ओमिटेड है. चैप्टर 5 पे आते हैं, मास मीडिया एंड हिस्ट्री. तो इसका फर्स्ट जो आंसर है, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़ पेपर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय, किसने स्टार्ट किया था? जेम्स अगस्तस हिकी. ठीक है, टेलीविजन इज एन ऑडियो विजुअल मीडिया. बाल शास्त्री जंभेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मैगजीन, ऑप्शन ए दर्पण. ठीक है, बाल शास्त्री स्टार्टेड द फर्स्ट मैगजीन दर्पण. अ न्यूज़ पेपर रिप्रेजेंटिंग द मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी वॉज स्टार्टेड बाय कृष्णाराव भालेकर वॉज दीनबंधु. ठीक है, फिर फिफ्थ वाले का आंसर है विविध भारती. द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एंड इलस्ट्रेशन इन एन इंडियन न्यूज़ पेपर फॉर दैट फर्स्ट टाइम गोज टू ध्यानोदय. ठीक है, फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड री राइट. जो फर्स्ट वाला ये टेक्सटुअल है, फर्स्ट वाला टेक्सटुअल है तो ये नहीं बताऊंगी मैं. सेकेंड वाले का आंसर है, देखो, केसरी डेली था, प्रगति मंथली मैगजीन था. ठीक है, प्रगति कौन सा था? मंथली मैगजीन था. प्रगति और दिग्दर्शन दोनों मंथली मैगजीन थे, लेकिन प्रगति को वीकली बताया, इसके लिए वो रॉन्ग पेयर हो जाएगा. फिर नेक्स्ट है रोम एक्टा ड्यूना. रोम के टाइम पे एक्टा ड्यूना यूज़ होता था. जर्मनी स्टर्न मैगजीन था. ठीक है, बांग्लादेश का बैंगल गैजेट नहीं था. ठीक है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है. फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चार्ट आ गया हिस्ट्री. हिस्ट्री एडिटोरियल्स रिव्यूज आर्टिकल्स ऑन दिस डे इन हिस्ट्री न्यूज़ कॉलम. ये आंसर कहाँ पर है मैं बता देती हूँ. देखो पेज नंबर 35 में ये जो सर्कल है ना, ये वही क्वेश्चन है. एडिटोरियल्स और रिव्यूज़ दिए थे, बाकी चार लिखने थे. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चार्ट पे आते हैं. कंप्लीट द हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ इंडियन टेलीविजन. तो इंडियन टेलीविजन का टाइमलाइन कंप्लीट करना था. तो 1959 में दूरदर्शन स्टार्ट हुआ. इनॉग्रेशन लिखो या तो स्टार्टिंग ईयर ऑफ दूरदर्शन. ठीक है, 1972 में टेलीकास्ट इट प्रोग्राम ऑन फर्स्ट में. ठीक है, उसका फर्स्ट प्रोग्राम दूरदर्शन में फर्स्ट प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ ऑन फर्स्ट में 1972. 1982 में कलर टीवी वॉज इंट्रोड्यूस्ड. 15 अगस्त 1982 में कलर टीवी टेलीविजन इंट्रोड्यूस हुआ था. 1991 में ग्रांटेड परमिशन टू प्राइवेट नेशनल एंड इंटरनेशनल चैनल. 1991 में क्या किया था, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट के चैनल्स चालू हो रहे थे, जबकि 1991 में जो दूसरे प्राइवेट और इंटरनेशनल नेशनल चैनल्स हैं ना, उनको भी परमिशन दे दिया गया कि तुम लोग अपने चैनल्स बना सकते हो और टीवी पे डाल सकते हो. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द टेबल चार्ट. ये दिया हुआ है एक्सरसाइज में. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. ये जो आंसर है ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है, फर्स्ट वाला भी एक्सरसाइज में, सेकेंड वाला भी, थर्ड वाला भी. फोर्थ है टेलीविजन. तो टेलीविजन का जो पैराग्राफ है वही उसका आंसर होगा. तो पेज नंबर 35 में जो टेलीविजन का पैराग्राफ है वो लिखना है, पूरा पैराग्राफ. ठीक है, तो अगर आपको वो उसमें से कुछ नहीं लिखना है तो ऐसा भी लिखा जा सकता है. देखो बाजू कुछ कुछ अलग अलग, देखो पेज नंबर 36 में जैसे कि देखो दिया हुआ है, टेलीविजन चैनल्स ऑल्सो टेलीकास्टेड प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री. दूरदर्शन एंड अदर टेलीविजन चैनल्स हेल्प्स इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमॉन्ग पीपल थ्रू द हिस्टोरिकल शोज एंड सीरियल्स. द माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सीरियल्स लाइक रामायण, महाभारत, भारत एक खोज एंड राजा शिवा छत्रपति अट्रैक्टेड अ वेरी लार्ज ऑडियंस. ठीक है, तो यहाँ पे टेलीविजन के यहाँ पे भी पॉइंट्स दिए हुए थे, यहाँ पे भी पॉइंट्स दिए हुए. ठीक है, तो इसमें से कोई भी 5 to 6 पॉइंट्स जो ईजी लगता है पहले लिखना जरूरी है कि कौन सा पहले चैनल था, ये पॉइंट्स लिखना जरूरी है. ठीक है, दूरदर्शन पहला चैनल था जिसने स्टार्ट किया था, किसने स्टार्ट किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने. ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने जरूरी है, फिर आपको जो जो पॉइंट्स ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजन. इसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए, तो फोर्थ क्वेश्चन करवाऊंगी मैं डायरेक्ट. फोर्थ क्वेश्चन है, न्यूज पेपर बिकेम द फर्स्ट मास मीडियम ऑफ सर्कुलेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अमॉन्ग पीपल. ठीक है, तो इसका आंसर पेज नंबर 32 पे दिया हुआ है. देखो पेज नंबर 32 पे, हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया. तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश पीपल. पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज थ्रू न्यूज़पेपर, देयरफॉर न्यूज़पेपर बिकेम द फर्स्ट मास मीडियम ऑफ सर्कुलेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अमॉन्ग पीपल. सिर्फ ये दो पॉइंट्स नहीं लिखने, न्यूज़पेपर के ऊपर दूसरे पॉइंट्स भी लिख सकते हो. जैसे देखो प्रीकर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर से पहले क्या कैसे यूज़ करते थे लोग. ठीक है,
और न्यूज़पेपर के बाद क्या क्या होने लगे, तो न्यूज़पेपर के ऊपर जो जो पॉइंट्स है इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन इतना पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है। बस ये दो पॉइंट्स मत लिखो, और जो भी न्यूज़पेपर्स के बारे में पता है कि न्यूज़पेपर आने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, वो भी लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर इन दोज टाइम वेर अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ सर्कुलेटिंग सोशल अवेयरनेस। तो इसका जो आंसर है, मैं जो बताऊंगी वो इसका आंसर इसमें भी ऐड कर सकते हो, इसका आंसर इसमें भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने जो बोला कन्फर्म लिखना है वो लिखना, ठीक है, वो लिखना, और फिर जितना ऐड करोगे टीचर मार्क्स नहीं काटेगी। तो सोशल अवेयरनेस का आंसर पेज नंबर 33 पे दिया हुआ, देखो ये जो न्यूज़पेपर इन दोज टाइम वेर अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, अ न्यूज़पेपर नेम्ड इंदू प्रकाश सपोर्टेड विडो रीमैरिज इन अ बिग वे, दीनबंधु अ न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटेटिंग द मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, बहुजन समाज वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुलेस क्लोज एसोसिएट कृष्णा राव भालेकर, ठीक है, वी गेट टू नो अबाउट द इश्यूज रिलेटिंग टू मासेस थ्रू दिस न्यूज़पेपर। तो ये आ जाएगा यूजेस में कि सोशल अवेयरनेस कैसे क्रिएट करता था न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। तो भारत एक खोज, इसके ऊपर पैराग्राफ दिया और उसके बेसिस पे हम लोग को क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सीरियल भारत एक खोज वॉज बेस्ड ऑन विच बुक, भारत एक खोज ये कौन से बुक पे बेस्ड था। तो ठीक है, इसका पेज नंबर वही पीछे देखो, इट वॉज बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ इंडिया अ बुक रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो वो किस पे बेस्ड था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किसने लिखा था बुक, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखा था उसके बेस पे था। हु प्लेड द रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इन भारत एक खोज सीरियल, तो रोशन सेठ द एक्टर हु प्लेड पंडित नेहरू रोल इन दिस सीरियल, ठीक है। तो नाम क्या है, रोशन सेठ। वाई डिड भारत एक खोज सीरियल वॉज एडमायर्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रीहेंसिव हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव ऑफ पंडित नेहरू एंड इट्स इक्वली कॉम्प्रीहेंसिव विजुअल प्रेजेंटेशन, ठीक है, पूरे सेंटेंस में लिखना, मैंने डायरेक्ट बिकॉज से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स, हाउ वेन न्यूज एंड मैसेजेस कन्वे टू डिफरेंट कंट्रीज इन एंशियंट टाइम्स। इसका आंसर देखो पेज नंबर 32 में, ये जो है प्रीकर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर, इसमें बताया है कि न्यूज़पेपर वगैरह मतलब जो एंशियंट टाइम्स थे उसमें न्यूज़ और मैसेजेस कैसे दिया जाता था। तो बिफोर द बिगनिंग ऑफ द कॉमन एरा देयर वाज अ कस्टम इन इजिप्ट ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शन विद रॉयल डिक्रीज एट पब्लिक प्लेस, एम्परर अशोक ऑल्सो रिजॉर्टेड। तो ये पूरा पैराग्राफ देखो, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक एंड होता है। तो यहाँ पे रोम में कैसा होता था, अशोका रोमन एम्पायर में कैसे करते थे एम्परर अशोका, जब आप लोग ये रीड करोगे तब आप लोग को समझ जाएगा। बहुत बड़ा आंसर है, इसमें से कुछ 7-8 पॉइंट्स लिखो, बाकी स्किप कर दो, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं वो लिखो और बाकी स्किप कर दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बाल शास्त्री जंभेकर इन द मराठी जर्नलिज्म। इसका आंसर पेज नंबर 33 पे दिया हुआ है, देखो इतना इसका आंसर डू यू नो में जो ये ऑरेंज कलर का है वो इतना ही है, तो इतना सा नहीं लिखेंगे हम लोग, थोड़ा बाल शास्त्री जंभेकर के बारे में भी लिखेंगे। देखो दर्पण, द न्यूज़पेपर दर्पण वॉज ऑल्सो, हम लोग ये लिखने के बाद ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पूरा पैराग्राफ लिख लो ऑरेंज कलर का, फिर ऐसा लिखो कि द न्यूज़पेपर दर्पण वॉज ऑल्सो स्टार्टेड बाय बाल शास्त्री जंभेकर, ठीक है। तो बाल शास्त्री जंभेकर के बारे में एक दो पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो, ये आंसर लिखो फिर ये पॉइंट भी लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, और नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज हिस्ट्री इज एसेंशियल इन प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम्स। तो थर्ड क्वेश्चन का पेज नंबर 35 में दिया हुआ, देखो व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, तो ये पूरा पैराग्राफ उसका आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज हिस्ट्री इज एसेंशियल इन प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम्स। इसका आंसर पेज नंबर 36 में देखो सबसे टॉप पे दिख जाएगा, हिस्ट्री इज ऑल्सो एसेंशियल इन प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम्स, फॉर एग्जाम्पल आकाशवाणी हैज़ प्रिजर्व्ड रिकॉर्डिंग्स ऑफ द ऑल द स्पीचेस डिलीवर्ड ईच ईयर बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया ऑन 15th August, आकाशवाणी इन्वाइट्स हिस्टोरियन एज एक्सपर्ट्स फॉर डिस्कशन ऑफ वेरियस ओकेशन, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक आंसर दिया हुआ है, तो ये पूरा लिखना है, इसमें से एक दो पॉइंट स्किप करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, फिर नेक्स्ट हेंस लिख देना, हेंस इन दिस वे हिस्ट्री इज ऑल्सो एसेंशियल इन प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 कम्प्लीट हुआ, सॉरी चैप्टर नंबर 5 कम्प्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द एंशियंट इवेंट ऑफ ओलंपिक कॉम्पिटिशन यूज टू बी हेल्ड एट ओलंपिया ग्रीस, ठीक है। द वुडन डॉल्स मेड इन महाराष्ट्र वॉज नोन एज थाकी। 29th August द बर्थ डेट इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर बी मेजर ध्यानचंद, ठीक है। एंड आइवरी डॉल मेड बाय एन इंडियन क्राफ्टमैन वॉज फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ डैश इन इटाली।
Next question, an ivory doll by Indian craftsman was found in the excavation of Pompeii and ancient in Italy. Dash game and its various tactics were devised by Balambhat Deodhar. So Malakam, यहाँ पे रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करना है. देखो यहाँ पे एक करेक्शन है, चेज नहीं है, ये चेस है. तो सबको पता चल गया कि चेस आउटडोर नहीं इंडोर गेम होता है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन होगा. फिर नेक्स्ट है बल्लभ दियोदर मलकम. कशावा जादव एक एथलेट थे, फुटबॉल प्लेयर नहीं. मेजर ध्यानचंद हॉकी में थे, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में. तो सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन होगा. थर्ड वाला